हेलो गाइस, पंजाबी खाने की बात हो और उसमें सरसों के साग का नाम ना आए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आ गया ना आप सबके भी मुंह में पानी सरसों के साग का नाम सुनते ही। तो आज मैं आपके लिए सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी, जिस तरह से हमारी दादी नानी बनाया करती थी या जिस तरह से हम बचपन से अपने घरों में साग खाते आए हैं, उस साग की मैं रेसिपी आज लेकर आई हूँ। एकदम बढ़िया, टेस्टी, डिलीशियस विद लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो आइए चलते हैं किचन में और रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुगन इंडिया बाय शगुन में। इस रेसिपी को देखने के लिए फ्रेंड्स पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आइए बनाते हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंच मेथी ले ली है, एकदम फ्रेश मेथी मैंने यहाँ पर ली है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बंच पालक का, यानी कि एक गुच्छी पालक की, ये भी मैंने एकदम फ्रेश गुच्छी यहाँ पे ली है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी इस रेसिपी की जान, जो है सरसों। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक गुच्छी सरसों ले ली है, एकदम फ्रेश मैंने यहाँ पे सरसों ली है। और अब मैं इन तीनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसमें से कोई घास का तिनका ना हो या मिट्टी ना हो, तो इन्हें मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं इन्हें वॉश करके चॉप करूँगी। तो इन्हें मैं इसी तरह से वॉश करके चॉप करूंगी, चॉप करने के बाद इसे वॉश ना करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इन्हें वॉश कर लिया है और अब मैं इन्हें यहाँ पे चॉप कर लूंगी। पानी मैंने सारा इसमें से स्ट्रेन कर दिया है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था। तो देखिए मैंने यहाँ पे साग को बढ़िया से चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं साग बढ़िया से यहाँ पे मैंने चॉप करके रख लिया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी प्रेशर कुकर में। सबसे पहले हम साग को बॉईल करेंगे, उसके बाद हम इसे छौंक लगाएंगे। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और फ्रेंड्स आप साग को मक्की की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, वो तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ही। लेकिन अगर मक्की की रोटी किसी को ना बनानी आती हो तो आप उसकी जगह इसे गेहूं की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग इसे चावल के साथ भी पसंद करते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें एक बार और देखिए मैं किस तरह से साग को फैला फैला कर कुकर में ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें साग को कुकर में ऐड करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कुकर में साग को ऐड कर दिया है। आपको लग रहा होगा कुकर छोटा है साग ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ये कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 हरी मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 इंच अदरक, जो मैंने इस तरह से रफली चॉप किया है। हरी मिर्च और अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है साग में। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी, नॉर्मल ग्लास से मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, और 1/2 ग्लास पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। एक चौथाई टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है हींग, हींग से अच्छा फ्लेवर भी आता है, डाइजेस्ट करने में भी आसान रहता है हमें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक, तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर ले। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी मक्की का आटा, 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर मक्की का आटा इसमें ऐड करूँगी। अगर मक्की का आटा ना हो तो आप इसकी जगह बेसन ऐड कर दें या चावल का आटा ऐड कर दें। और 2 टेबलस्पून पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि मक्की का आटा जो है वो अच्छे से घुल जाए। और अब इसे ढककर लगाकर 5 से 6 सीटी लगवा लूँगी, या जब तक साग गल ना जाए तब तक इसे मैं सीटी लगा लूँगी। साग को मैंने 5 सीटी लगा ली हैं और यहाँ पे ये बढ़िया से गल भी गया है, इसकी स्टीम भी उतर गई है, आप देख सकते हैं साग कितना अच्छे से गल गया है। तो अब हमें इसी तरह से करछी की मदद से अच्छे से घोट लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो, ब्लेंडर हो, तो आप उससे भी इसे कर सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल रेसिपी बना रही हूँ। दादी नानी के टाइम पर ना ब्लेंडर होता था ना बीटर होता था, वो इस तरह से करछी की मदद से, या एक घोटनी आती है उसकी मदद से इसे मैश करते थे। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे इसे मैश कर रही हूँ। ऐसा करने से एक ट्रेडिशनल फ्लेवर भी आएगा और एक दरदरापन भी आएगा साग में, वो बिल्कुल पालक पनीर जैसा सॉफ्ट साग हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। नेक्स्ट मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 करछी ऑयल।
तो मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल ऐड कर दिया है और इसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया और मेथी दाना से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग में। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और ये खड़े मसाले अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन से एक बढ़िया सा अरोमा भी आएगा हमारे साग में और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और 2 मीडियम साइज के प्याज जो मैंने चॉप करके रखे हैं वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इन्हें भी मैं अब यहाँ पे पका लूँगी। तो प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें गोल्डन सा कलर ना आ जाए। और साग को तड़का लगाने में फ्रेंड्स मैं टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी। टमाटर से थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो साग का चेंज हो जाता है। मुझे एकदम ट्रेडिशनल साग का फ्लेवर चाहिए जैसा शुरू से हम खाते आए हैं, तो मैं इसमें टमाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन चाहिए साग में तो थोड़ा सा अमचूर ऐड कर दें, लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगी कि इसे इस तरह से ही तड़का लगाएं। और देखिए प्याज यहाँ पे बढ़िया से भुन गया है, लेकिन अभी भी एक आधा मिनट में इसे और भून लूँगी। और अब आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया से यहाँ पे भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 टीस्पून गरम मसाला। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या जिस तरह से आपकी फैमिली में मसाले खाए जाते हैं उस हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी साग। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे साग को एक साथ तड़का लगा लें, जितना आपको जिस टाइम पे खाना है उतना आप उसे छोंक ले, बाकी उठा के फ्रिज में रख ले। आप इसे 4 से 5 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। इस तरह से तड़का लगाएं, गर्मा गर्म सर्व करें, मक्की की रोटी बनाएं, पराठा बनाएं या गेहूं की रोटी बनाएं और इसे सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस ये साग बन करके रेडी होता है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साग इसमें ऐड कर दिया है। मुझे अगर कम लगेगा तो मैं थोड़ा और ऐड कर दूंगी। और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक साइड से ऑयल रिलीज ना हो जाए और साग में सारे फ्लेवर्स जो हैं वो मसालों के, प्याज के, लहसुन के आ ना जाए। साग बड़े बच्चे बूढ़े सबको बेहद पसंद आता है और इस तरह से बनाएंगे तो इसका स्वाद तो आप भूल ही नहीं पाएंगे। और देखिए साग यहाँ बढ़िया से पक गया है। इसकी क्वांटिटी भी हल्की सी रिड्यूस हो गई है, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख गया है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ मैं साग को सर्व कर रही हूँ मक्की की रोटी के साथ। थोड़ा सा घी मैंने साग के ऊपर से ऐड कर दिया है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और देखिए एकदम बढ़िया यम्मी साग बनकर के रेडी हुआ है। देखते ही मन कर रहा है कि अभी खा लो, मेरा तो यही मन कर रहा है। आप भी फटाफट ये रेसिपी बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलूंगी इसी तरह की बढ़िया और टेस्टी रेसिपी के साथ। और देखिए वाओ, एकदम बढ़िया टेस्टी और डिलीशियस साग बन करके हमारा जो है वो रेडी हुआ है।